अगर अटल पथ जेपी सेतु से जुड़ेगा और गंगा पाथवे शुरू हो जाएगा, इसके लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दिया। आप लोग कह रहे हैं मार्च में पूरा करेंगे, क्या ये सच होगा? पटना के लोग सपना देख रहे हैं इसका भी। नहीं, दोनों ही बातें हैं। देखिए, उस रोटरी को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो कि जेपी सेतु के पास है, तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग समय रहते हैं, मतलब 2022 में तो हम महात्मा गांधी सेतु का सेकेंड अलाइनमेंट दे देंगे और 23 के अंत तक हम लोग आपको जो सेकंड ब्रिज बन रहा है पैरेलल महात्मा गांधी सेतु का, उसको भी पूरा करने में सफल होगा। धोबी से जो गया का रोड बन रहा है, ये कब पूरा होगा और इसका क्या पोजीशन जो आपने देखा? देखिए, आज हम लोगों ने समीक्षा की है और मैं आज समीक्षा के दौरान मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है कि पटना से धोबी की जो सड़कें के लिए लगातार जनता पर के मन में अपेक्षा थी, वो अपेक्षा अब जल्द ही पूरी होगी। हाजीपुर से लेकर के सर छपरा तक के लिए जो रोड बन रहा है, वो भी बड़े लंबे समय से लंबित है और छपरा बगल में है, वहाँ से लोगों को 4-5 घंटे लग जाते हैं पटना पहुँचने में, तो उसका क्या पोजीशन है सर, उसको कब तक बना लेंगे आप लोग? देखिए, हाजीपुर छपरा को लेके काफ़ी समस्याएं थी, पहले लैंड एक्विजिशन को लेके, फिर उसके बाद एजेंसी के भी स्लोनेस था। हम लोगों ने लगातार NH के अधिकारियों से संपर्क में थे, हाईकोर्ट ने भी काफ़ी उस पर मॉनिटरिंग किया और अब उसका रास्ता भी निकल गया है। बिहार में एक्सप्रेस वे भी आ रहा है, लेकिन सर एक भी एट लेन एक्सप्रेस वे बिहार को नहीं मिला। क्या पथ निर्माण विभाग इसके लिए सोच रहा है कि बिहार को 8 लेन वाला कोई एक्सप्रेस वे मिले? क्या सच में मुंगेर गंगा ब्रिज मार्च में पूरा हो जाएगा? क्योंकि 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नींव रखा था, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं सर। कई लोग जब जाते हैं तो निराश होकर सवाल पूछते हैं हमसे। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज बड़े लंबे समय से सर लंबित है, अभी सुना है कि बैंक ने उसके लिए लोन भी दे दिया, क्या उसका काम कब पूरा होगा और क्या पोजीशन है सर? देखिए, ताजपुर बख्तियारपुर में एक समय जब जो एजेंसी काम करी थी उसका गैंट्री गिर गया था, उस समय से वो योजना कुछ कुछ कारणों से फंसी हुई थी। हम लोगों ने पिछले 6 महीने से उस योजना को फिर से जीवित करने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में एक सुखद न्यूज आपको दे पाएंगे। कहते हैं कि किसी राज्य की अगर सड़कें अच्छी हो तो उसका विकास बहुत अच्छा होता है। सड़कें अगर विकसित होती हैं तो राज्य का विकास आगे बढ़ता है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बेहतर और उन्नत क्वालिटी की सड़कों का सपना देखा था, उसकी लकीरें लगातार लंबी हो रही हैं और इस कड़ी में अपना बिहार भी पीछे नहीं है। उनके कई उदाहरण आप हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं। बिहार में कई मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो देश में सबसे अलग है, उसके हर वीडियो आप लगातार देखते रहें। आज इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए बिहार के पथ निर्माण मंत्री हमारे साथ हैं और ये अभी धोबी से लेकर पटना तक जो रोड बन रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए गया पहुंचे थे और उसी दौरान हमें छोटा सा वक्त मिला है। सर, सबसे पहले धोबी से जो गया का रोड बन रहा है, ये कब पूरा होगा और इसका क्या पोजीशन जो आपने देखा? देखिए, आज हम लोगों ने समीक्षा की है और मैं आज समीक्षा के दौरान मुझे लगा कि अब वो समय आ गया है कि पटना से धोबी की जो सड़कें के लिए लगातार जनता पर के मन में अपेक्षा थी, वो अपेक्षा अब जल्द ही पूरी होगी और पूरे स्टेज को 3 पैकेज में हम लोगों ने बांटा है और तीनों पैकेज के काम को लेकर गति देने में हम लोग लगे हैं। इसमें जो रोड्स के कंपोनेंट हैं, वो रोड्स के कंपोनेंट तो हम लोग 22 दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे ही, साथ ही साथ जो इसमें 3 ROB है और करीब 6-7 छोटे छोटे ब्रिज हैं, उन ब्रिज के में भी काम लग चुका है सुपर स्ट्रक्चर में और अब उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें ROB का और कुछ ब्रिजेज के जो ऊपर के पार्ट है उसमें भी काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम लोग समय जो 2022 दिसंबर का है उस तक रोड कंप्लीट कर लेंगे और उसके कुछ ही और समय में हम लोग ब्रिज के साथ रोड को कंप्लीट कर लेंगे, तो जो पटना से पूरा धोबी का जो स्ट्रेच है वो पूरा स्ट्रेच को हम लोग 2023 में कंप्लीट करने की स्थिति में रहेंगे। देश में कई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इस कड़ी में बिहार भी पीछे नहीं है, कई एक्सप्रेस वे का घोषणा अभी हुआ है और सबसे उसमें अहम है जो गाजीपुर से लेकर के भागलपुर तक एक्सप्रेस बनेगा, दूसरा पटना से कोलकाता तक। सर, ये प्रस्ताव आप लोगों ने भेजा है, कब पूरा होगा? भागलपुर की जनता जिसकी कनेक्टिविटी राजधानी से बहुत ही दुर्लभ है, कहते किशनगंज से 5 घंटे में लोग पटना आ जाते हैं और लेकिन भागलपुर से 7 घंटा लगता है, तो ये कब पूरा होगा और इस पर क्या हो रहा है? देखिए, अभी हम लोगों ने एक भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत
बक्सर से भागलपुर का एक पूरा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भेजा है और बिहार प्रशासन सरकार ने उसको प्रस्ताव को अनुमोदित करके भेजा है और भारतमाला में हम लोग उम्मीद करें कि उसकी स्वीकृति मिले। साथ ही साथ भागलपुर मुंगेर मिर्जा चौकी योजना पर भी हम लोग का काम टेंडर हो चुका है और उसका भी काम बहुत जल्द प्रारंभ होगा। तो भागलपुर पटना भागलपुर मुंगेर मिर्जा चौकी जो योजना है उससे भी बहुत हद तक हम लोग को भागलपुर की दूरी को कम करने में हम सफल होंगे। लेकिन साथ ही साथ जो पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे है उसका भी लाभ हम लोग को बांका तक का जो पार्ट है मतलब भागलपुर जमुई तक का पार्ट में हम उसको तो यानी जमुई से आप जब देखेंगे तो एक उत्तर बिहार के तरफ का जो पोर्शन है उससे आपको बक्सर भागलपुर क्रॉस करेगा और जमुई का जो दक्षिण भाग है उससे आपको पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे गुजरेगा तो उसका लाभ भी भागलपुर की कनेक्टिविटी को हम लोग कम करने में सफल होंगे। दूसरा कि कई सड़कें राज्य में बन रहे हैं लेकिन NHI की जो सड़कें हैं उससे ज़्यादा बेहतर स्टेट हाईवे जो है SH जो बनती है वो बेहतर दिखता है, उस पर गाड़ियाँ स्मूथ चलती है, तो ये कैसे है स्टेट गवर्नमेंट इतनी अच्छी सड़कें बनाती है और NHI की जो सड़कें बनती है वो उतने स्मूथ नहीं होता है? नहीं, दोनों के मानक अपने आप में अच्छे हैं और अगर कहीं ऐसा विषय तो अभी तक हमारे ध्यान में नहीं आया है। NH अगर मेंटेन करने में थोड़ा सा जो कमियां आती हैं उसको हम लोग दूर कर रहे हैं कि NH जो अपनी सड़कें बनाता है उसको मेंटेन भी करे, जैसे जिस प्रकार से करता भी रहा है कहीं 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 पर अगर कमियां रहती हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, लेकिन उसी प्रकार से SH की जो सड़कें हैं उनको हम लोग बनाते भी हैं और मेंटेन भी करते हैं। तो NH में भी हम लोग उस काम को मजबूती से कराना है और मुझे लगता है कि दोनों ही सड़कों का मानक काफ़ी अच्छा रहा है और उन मानकों को अगर हम पूरा करें तो सड़कों का निश्चित रूप से स्थिति बहुत बेहतर होगी। बिहार में 6 ऐसे मेगा ब्रिज बन रहे हैं जो भारत में सबसे अलग है। उनमें से सबसे अहम है कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच ब्रिज और ये पटना के कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, साथ ही उत्तर दक्षिण बिहार के बीच जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उसको भी कनेक्ट करेगा। इस परियोजना की क्या स्थिति है और कब तक इसको पूरा करेंगे आप लोग? सर देखिए 2023 के अंत तक इसको हम लोग कंप्लीट करना है, जैसे ड्यू डेट तो उसका जून में ही है 2023 जून, लेकिन हमको लगता है कि चूँकि कोरोना की आप जो आपदा रही है बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2023 जून तक हम लोग इस योजना को कम्प्लीट करने में सफल होंगे ऐसा मेरा मानना है। और ये योजना अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पटना रिंग रोड का पार्ट ये बनने जा रहा है, जो पटना रिंग रोड का पूरा अलाइनमेंट है उसमें बिदुपुर और कच्ची दरगाह का ब्रिज भी है जो हम लोग को पूरी तरह से उत्तर बिहार से कनेक्ट करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी कनेक्टिविटी का इम्पोर्टेंस भी है और समय रहते इसको 2023 का जो जून का शेड्यूल है तो 2023 में हम इस योजना को जनता को दे पाएंगे। इन 6 ब्रिजों में जो दूसरा इम्पोर्टेंट ब्रिज है वो है सुल्तानगंज से आगवानी घाट के बीच में जो ब्रिज बन रहा है वो, उस पर आप ऊपर गाड़ियों को पार्क करके नीचे डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी में पहुंचकर नीचे से गंगा दर्शन कर पाएंगे, साथ ही डॉल्फिन को देख पाएंगे। इस ब्रिज का सर क्या पोजीशन है, कब पूरा होगा? देखिए इस ब्रिज को लेके भी हम लोग बहुत हमको लगता है कि वो कंप्लीट के फेज में है और जल्दी हमारा जो विजिट होगा देवघर का भागलपुर का उधर का तो सुल्तानगंज के पास वो ब्रिज का काम चल रहा है और जैसा आपने बताया भी कि वो अपने आप में डॉल्फिन को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंस उसका बढ़ा हुआ है और लोगों को एक जानकारी जो कि गंगा पे डॉल्फिन का एक संबंध अलग है और उसकी कोई आकलन करने का कोई सिस्टम हम लोग के पास नहीं था, तो अब ब्रिज के कंपोनेंट में के साथ साथ इसके आकलन करने का भी एक चर्चा अभी विषय बना है तो उसका भी लाभ मिलेगा हम लोग के इंडियन वाटरवेज के सिस्टम में उसका भी जानकारी प्राप्त होता रहेगा। अगवानी घाट का जो ये ब्रिज है ये ब्रिज कंप्लीशन के फेज में है और मुझे लगता है कि इस असेसमेंट इसका पूरा मैं जब रिव्यू कर लूँगा तब आपको इसका डेट हम कुछ बता पाएंगे, लेकिन एक चीज़ आपको जानकारी में और देंगे कि अगवानी घाट के इस ब्रिज से पारसनाथ जुड़ता है, इसी ब्रिज से पारसनाथ जुड़ता है। एक हम लोग अभी ले रहे हैं सुल्तानगंज से लेके देवघर और सुल्तानगंज के बीच में कांवड़िया पथ का ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट ले रहे हैं, वो इसी ब्रिज से आके जुड़ेगा और सुल्तान और ये ब्रिज से और ताकि देवघर से पूरा पारसनाथ की दूरी कम भी हो जाएगी और पूरा कनेक्टिविटी आपको नज़र आएगा कि देवघर से पारसनाथ की पूरी कनेक्टिविटी नज़र आएगी और इसका लाभ ये होगा कि साथ में जो पूरे ग्रीन फील्ड का ये अलाइनमेंट बनेगा 4 लेन और बगल में हम लोग उसके कांवड़िया पथ भी डिजाइन करेंगे
तो ये योजना भी भारतमाला फेज वन में ही है और हम लोगों ने उसको प्रस्ताव को भेजा हुआ है। मुझे लगता है कि अगले एक महीने में उसकी स्वीकृति हम लोग को मिल जाएगी। सड़कों की लंबाई लगातार बढ़ रही है और बिहार सड़कों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा है कि सड़कें उन्नत होंगी तो बिहार की उन्नति बढ़ेगा। गंगा पर 18 पुल परियोजना चल रही हैं या प्रस्तावित हैं टोटल मिला करके, और 15 लोकेशंस में 18 ब्रिज हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना गांधी सेतु। सर, गांधी सेतु का क्या पोजीशन, कब पूरा होगा? देखिए, गांधी सेतु का हम लोगों ने आज से 4 महीना पहले भी रिव्यू किया था और एक हफ्ता पहले हम लोगों ने जो रिव्यू किया है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन उनके कम्प्लीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रिज जो हम लोग का पुराना गांधी सेतु का जो पैरेलल हम लोग का फर्स्ट अलाइनमेंट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज का जो है उसको मार्च 2022 में कंप्लीट करना है, लेकिन 2-3 महीने इसमें और समय लग सकते हैं, क्योंकि इस बार पानी जो गंगा का जो काफ़ी पहले आ गया तो उसके कारण थोड़ा उसके आकलन में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि जून 2022 में जो महात्मा गांधी सेतु का जो सेकेंड फेज है, सेकेंड अलाइनमेंट जो काम हो रहा है वो कंप्लीट हम पूर्वी लेन कंप्लीट कर लेंगे। महात्मा गांधी सेतु के जो पैरेलल एक ब्रिज है जिसको बना रहे हैं सिंगला, एसपी सिंगला बना रही है, उसका भी रिव्यू हम लोगों ने किया था और संभवतः कल से परसों में हम लोग फिर वहां जाने वाले हैं। तो उसका भी हम लोगों ने 2023 मार्च का जून का समय उसको दिया है। मुझे लगता है कि उसका भी आकलन, चूँकि पानी का इस बार जो फ्लो रहा है उसके भी आकलन में 3 से 6 महीने का हो सकता समय और बढ़े, लेकिन इन दोनों ही ब्रिज को हम लोग 2023 के अंत तक, 2022 में तो हम महात्मा गांधी सेतु का सेकंड अलाइनमेंट दे देंगे और 23 के अंत तक हम लोग आपको जो सेकंड ब्रिज बन रहा है पैरेलल महात्मा गांधी सेतु का उसको भी पूरा करने में सफल होंगे। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट ने कई योजनाओं को पारित किया है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अटल पथ, गंगा पाथवे और मुंगेर गंगा ब्रिज। क्या सच में मुंगेर गंगा ब्रिज मार्च में पूरा हो जाएगा? क्योंकि 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नींव रखा था, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। सर, कई लोग जब जाते हैं तो निराश होकर सवाल पूछते हैं हमसे। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की और जो भी कारण रहे हों, अब हम लोगों ने उसको जो मूल उसके कारण थे, उसकी अंतिम जो समस्या थी उसका समाधान का रास्ता निकाल लिया। कैबिनेट ने 57 करोड़ के विशेष पैकेज के तहत जो टोपो लैंड के दृष्टि से जो लोग रहते थे उनको मुआवजा देना तय कर दिया है और हम लोग उसको कोशिश में हैं कि दिसंबर में अटल जी के जन्मदिन के दिन ही हम लोग उसको जनता को सपोर्ट कर पाए। और जो स्पीड है, परसों ही उसके हमारे अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत परसों वहाँ विजिट करने वाले हैं, उस विजिट के बाद हम लोग 100% आकलन हो जाएगा कि ये काम कब तक कंप्लीट होगा। हम लोग आशान्वित हैं कि हम 25 दिसंबर को ये ब्रिज अटल जी के जन्मदिन के दिन हम लोग जनता को सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरा, पटना के ट्रैफिक को बड़ा आराम मिलेगा अगर अटल पथ जेपी सेतु से जुड़ेगा और गंगा पाथवे शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दिया, आप लोग कह रहे हैं मार्च में पूरा करेंगे, क्या ये सच होगा? पटना के लोग सपना देख रहे हैं इसका भी। नहीं, दोनों ही बातें हैं। देखिए, जेपी गंगा पथ का अटल पथ से जुड़ना, आप समझ सकते हैं कि शहर के बीचों बीच से सीधे रिंग रोड को हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। पिछले 3 वर्षों से ये मामला थोड़ा फंसा हुआ था, उसको भी हम लोग सफल हुए कि उसको भी रास्ता निकाल कर FCI से हम लोगों ने 1.3 एकड़ जो लैंड है उसके एवज में 12 करोड़ रुपये की राशि हम लोग देने की सहमति दे दी है और कैबिनेट ने उसकी सहमति दे दी है। अब इसका लाभ होगा कि हम लोग जो हमारा अटल पथ फेज टू काम चल रहा था वो काम में गति आ जाएगी और हमको लगता है कि जो जेपी गंगा पथ का जो कनेक्टिविटी है वो जो मार्च 2022 में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और साथ में जो जेपी गंगा पथ, जिसके एक्सप्रेसवे की बात आप गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम लोग जेपी गंगा पथ में भी जो हम लोग को कमिश्नर ऑफिस तक का जो अलाइनमेंट है, पहला जो एनसीना इंस्टीट्यूट तक का, उसको भी हम लोग कम्प्लीट करने में लगे हैं मार्च तक। अगर वो पूरा पैच हम लोग मार्च तक कम्प्लीट कर दिए तो आपका कनेक्टिविटी भी अटल पथ से उसका हो जाएगा और सेम टाइम में हम लोग जेपी गंगा से जोड़ते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि उत्तर बिहार जाने के लिए हम लोग को बहुत सुगम रास्ता हो जाएगा। उस रोटरी को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो कि जेपी सेतु के पास है। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोग समय रहते हैं, मतलब मार्च से जून के बीच में कंप्लीट करेंगे ताकि शहर के अंदर से सीधे उत्तर बिहार निकलने की कनेक्टिविटी है। ब्रिजों की बात हो रही थी, एक और ब्रिज है जो काफ़ी समय से लंबी था, लोग उसके लिए बड़ी सवाल हमसे पूछते हैं कि जब मंत्री जी मिले तो उनसे ज़रूर पूछिएगा।
बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज बड़े लंबे समय से सर लंबित है। अभी सुना है कि बैंक ने उसके लिए लोन भी दे दिया, क्या उसका काम कब पूरा होगा और क्या पोजीशन है सर? देखिए, ताजपुर बख्तियारपुर में एक समय जब जो एजेंसी काम कर रही थी उसका गैंट्री गिर गया था, उस समय से वो योजना कुछ कुछ कारणों से फंसी हुई थी। हम लोगों ने पिछले 6 महीने से उस योजना को फिर से जीवित करने का प्रयास किया है और एजेंसी बीच में बैंक और तीसरा कंसर्न है, सब लोग से वर्कआउट हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में एक सुखद न्यूज आपको दे पाएंगे। बैंक ने भी जो अपना लोन लेने का था उनका पैसा रिकवरी उसको लेकर एक सैद्धांतिक सहमति बनी है कि हम लोग उस पर बैंक को भी उसका पैसा वापस कर पाएँ, साथ ही साथ जो एजेंसी है उसको भी जो पेमेंट्स हैं और जो पीपीपी मोड का तरीका है उसको भी उसका सुलभ रास्ता नज़र आए। और सरकार ने लगातार उसके लिए पहल किया और दिल्ली से भी हम लोगों ने केंद्र सरकार से भी इसमें हस्तक्षेप कराया था, तो अब उसका समाधान निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप ताजपुर बख्तियारपुर के बारे में हम आप लोग सभी को एक सुखद न्यूज दे पाएंगे कि कब से योजना दोबारा आरम्भ हो रही है। सवाल आपके बहुत थे, उनमें से चुनिंदा को हम पूछ रहे हैं, जो हाजीपुर से लेकर के सर छपरा तक के लिए जो रोड बन रहा है वो भी बड़े लंबे समय से लंबित है और छपरा बगल में है, वहाँ से लोगों को 4-5 घंटे लग जाते हैं पटना पहुँचने में, तो उसका क्या पोजीशन है सर, उसको कब तक बना लेंगे आप लोग? देखिए, हाजीपुर छपरा को लेकर काफ़ी समस्याएं थी, पहले लैंड एक्विजिशन को लेकर, फिर उसके बाद एजेंसी के भी स्लोनेस था। हम लोगों ने लगातार NH के अधिकारियों से संपर्क में थे, हाई कोर्ट ने भी काफ़ी उस पर मॉनिटरिंग किया और अब उसका रास्ता भी निकल गया है, काम उसके स्पीड पकड़े हैं और हम लोगों ने जो भी उसका ROW था उसको पकड़ के काम शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग उस काम को भी हाजीपुर छपरा का जो पूरा स्ट्रेच है उसमें हर महीने उसका रिव्यू हम लोग कर रहे हैं और मंथली रिव्यू के आधार पर हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम बहुत जल्द उसको भी जनता को दे पाएंगे। कई रास्ते बन रहे हैं, सड़कें अच्छी भी हो रही है और ब्रिजेस मेगा ब्रिजेस भी बन रहे हैं, बिहार में एक्सप्रेसवे भी आ रहा है, लेकिन सर एक भी एट लेन एक्सप्रेसवे बिहार को नहीं मिला। क्या पथ निर्माण विभाग इसके लिए सोच रहा है कि बिहार को 8 लेन वाला कोई एक्सप्रेसवे मिले? अभी जैसे हम लोग आमस दरभंगा बना रहे हैं तो आमस दरभंगा बना जरूर है, 4 लेन है, हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्वायर किया है 6 लेन का। रिंग रोड का जो पार्ट है पटना रिंग रोड का, उसमें भी कई जगह पर हम लोग 6 लेन रोड्स को दे रहे हैं। अभी एक 8 लेन रोड का जब तक कनेक्टिविटी, जैसे आप किसी चीज़ को निकालते हैं 2 लेन से और 6 लेन से और ले जाके उसको 1 लेन में मिला दीजिएगा तो कैसा होगा? तो जब तक थ्रू आउट आप उस पूरे पैच को मतलब नहीं कवर करते हैं, अगर हमारे पास 2 लेन्स रोड ही हैं और हम उसको 6 लेन और 8 लेन से कनेक्ट भी कर दें तो वो बॉटल नेक ही होता है। तो ग्रेजुअल सोच आपने जो रखा है, निश्चित रूप से विभाग की भी परिकल्पना यही है कि भविष्य में 2030 में हम वो स्थिति में जरूर पहुँचे कि हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पे कोई ना कोई 4 लेन गुजरे और हम लोग इस सपने को साकार करने में लगे हैं। जहां तक 8 लेन का बात आपने पूछा है, कुछ ऐसे पैचेज हैं जो नया भारतमाला पैकेज में हम लोग ले रहे हैं, जैसे ही उसका क्लियरेंस हम लोग को दिल्ली से मिलेगा तो हम निश्चित रूप से कुछ ऐसे रोड्स हैं जिसको हम लोग 8 लेन में प्रस्ताव में ले सकते हैं। सड़कें अच्छी रही तो दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, क्या परिवहन विभाग दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी कोई काम कर रहा है और कर रहा है तो उसके लिए क्या किया? लेकिन बेसिकली जो पथ निर्माण विभाग है वो भी एक्सीडेंटल्स एरिया के जो प्रोन एरियाज हैं उसका सर्वे हर साल हम लोग करते हैं और केंद्र के तरफ से भी NH के तरफ से भी ये सर्वे हमेशा होता है कि किन एरिया में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करके उसको हम लोग ब्लैक स्पॉट घोषित करते हैं और उसके स्ट्रेच को उसका जो क्या कहते हैं एरिया का उस पूरे जो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया होते हैं उसको कैसे उसका वाइडनिंग किया जाए, कैसे वहाँ पर एक्सीडेंटल के जो मेजर कारण होते हैं ज़्यादा हीटिंग एरिया हुआ या शार्प टर्निंग हुआ तो उन चीज़ों को क्रॉस मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हर साल हम लोग ब्लैक स्पॉट से लेकर ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके उसमें काम करते हैं। अभी NH के तरफ से भी 1200 करोड़ की NH की योजना है ब्लैक स्पॉट को ठीक करने की, उसी तरह से हमारे विभाग में भी जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है अपने RCD के रोड में उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके वायरिंग करके उनको स्ट्रेच करने का काम करते हैं। सवाल तो आपके कई थे लेकिन समय सर के पास जो है ना
लिमिटेड है, क्योंकि कई चीज़ों को निरीक्षण करना होता है, बड़ी मुश्किल से समय मिला था। अगली मुलाकात में आपके बचे हुए सवालों को भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।